नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप? आशा है कि आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मैं आपको मेरा परिचय करवाती हूँ। मैं सविता देशमुख, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपका इस 7वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी छुट्टियाँ कैसे बीती? आपने छुट्टियों में क्या-क्या किया? घर पर रहकर आप लोगों ने माँ को मदद की या उसे तंग किया? घर पर बैठकर आप लोग बोर हो गए होंगे, तो चलो आज मैं आपको घूमने के लिए ले चलती हूँ। कहाँ? मेले में। मेले का नाम सुनकर आपके दिमाग में कोटमगांव का मेला आ गया होगा, है ना? वहां की मिठाई की दुकानें, खेलने के लिए बड़े बड़े झूले। लेकिन मैं आपको उस मेले में नहीं, एक अलग ही मेले में, वाचन मेले में लिए चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम एक चित्रपाट देखेंगे, जहां पर आपको पुस्तकें, अलग अलग किताबें दिखाई देंगी। तो देखिए, आपके ये जो है स्क्रीन पर आपको वाचन मेला दिख रहा है, जो कि हमारा पाठ क्रमांक 1 है। वाचन मेला यहाँ पर लगा हुआ है और चित्र में आपको अलग अलग तरह की किताबें दिखाई दे रही है। इस चित्र का आपको निरीक्षण करना है। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े लोगों का आत्मचरित्र चरित्र पढ़कर हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। तो दिखाई दे रहे वाचन मेले में, देखिए यह जो वाचन मेला जो है, एक बड़े और खुले परिसर में लगा हुआ है। इस मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल टीवी के इस युग में वाचन की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी हर शहरों में, गांवों में लगाई जाती है। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे बाल साहित्य है, विज्ञान कथा है, किशोर साहित्य है। बाल साहित्य में आपको छोटे बच्चों के लिए कहानियां है, कलरिंग की पुस्तकें हैं, उनकी मन पसंदीदा प्राणी प्राणियों की, पौधों की, फूलों की वहां पर पुस्तकें आपको उपलब्ध होती है। वहां पर बाल साहित्य में आपको ई बुक्स, ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। इस साहित्य को आप कंप्यूटर पर भी देख और सुन सकते हैं। आगे जो है विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा, जिन बच्चों को विज्ञान में, साइंस में रुचि है, साइंस के जो है वैज्ञानिकों के बारे में जो ज्यादा बातें जानना चाहते हैं, उनके लिए विज्ञान कथा ये विभाग जो है रखा हुआ है। आगे किशोर साहित्य है। किशोर साहित्य में किशोरवयीन मतलब टीन एजर्स के लिए किताबें रखी गई है। टीन एजर्स मीन्स 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे। यहाँ पर हमें बड़े बच्चे जो है दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हाथ में पुस्तक लेकर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। पीछे वयस्क लोग किताबें देख रहे हैं। वयस्क लोग क्यों? क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आगे कुछ छात्र छात्राएं पाठशाला के गणवेश में दिखाई दे रहे हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा या ग्रंथ दिंडी, जिसे हम कह सकते हैं, वो निकाल रहे हैं। ग्रंथ का मतलब पौराणिक पुस्तकें, किताबें। एक लड़की के हाथ में आपको सूचना फलक दिखाई दे रहा है। उसपे एक घोषवाक्य लिखा है। देखो क्या लिखा है घोषवाक्य, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान, पुस्तकें अगर हम पढ़ेंगे तो उससे जो है हमें ज्यादा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। और जितना हम पढ़ेंगे उससे ही जहाँ हमें अलग अलग भाषाएं भी जो है सीखने को मिलेगी, अलग अलग शब्द हमें मिलेंगे, उसका हम अर्थ जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो हमारी जो है ज्ञान हमारा बढ़ेगा। विज्ञान की बातें भी हमें पुस्तकें पढ़ने से अलग अलग चीजों का जो है पता वहां पर चलता है।
नीचे जो है और एक घोष वाक्य हमें दिखाई दे रहा है। देखो, पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तकें है हम सबकी साथी। देखो बच्चों, पुस्तकें जो है, ये बात तो 100% सच है कि पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, हमारे सबके मन में ज्ञान का दिया जलाते हैं। तो पुस्तकें सच्ची में हमारी साथी है, सच्ची साथी है, मित्र है। बिना कहे सुने वह हमें बहुत कुछ बातें वो सिखाती है। प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। देखो, प्रज्वलित करना यानी प्रसार करना। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है और हमें जो कुछ भी ज्ञान मिलता है वो हम दूसरों को क्या करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह प्रज्वलित जो है ज्ञान की बात ही हम हर जगह करते हैं। किताबें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसमें से जो आपके पसंदीदा वाक्य है, सुविचार है, काव्य की पंक्तियां है, अगर 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 आपने वह ध्यान में रखी तो उसका उपयोग जो है आप निबंध, कहानी लेखन में या कहानी के सारांश के लिए भी उसका उपयोग आप कर सकते हो। वाचन अगर अच्छा हो तो उसका प्रभाव हमारे लिखाई पर भी होता है। तो इस तरह छात्रों, आज हमने वाचन मेला तो देखा, तो वाचन के जो है फायदे क्या क्या होते हैं, तो हम आज यहाँ पर देखते हैं वाचन के फायदे, किताब पढ़ने के फायदे आज हमने देखे। तो आपको भी क्या करना है, किताबें पढ़ने में रुचि पैदा करनी है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो देखो, किताबें पढ़ने के फायदे क्या क्या होते हैं। किताब पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है। पुस्तकें हमारी सलाहकार होती है। अच्छी किताबें पढ़ने से मन को शांति, समाधान, सुकून मिलता है, मन आनंदित होता है। पुस्तकें हमारी सच्ची साथी होती है। पुस्तकें पढ़ने से हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है। अच्छे निर्णय लेने में हमें किताबें सक्षम बनाती है। तो ये किताबें पढ़ने के फायदे हैं। तो आज को आपको कैसा लगा ये पाठ? तो आज का गृह कार्य देखिए, आपको क्या करना है, 100 पेजेस एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में दिए गए सवालों के कुछ जवाब जो है लिखने, जिसके जवाब भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, वाचन मेला जो है कहाँ लगा है, वाचन मेला कहाँ लगा है, वाचन मेला एक बड़े और खुले परिसर में लगा है। प्रदर्शनी किस विषय पर लगाई गई है? प्रदर्शनी वाचन इस विषय पर लगाई गई है। प्रदर्शनी में बच्चों ने कौन सी जो है डंडी निकाली है? प्रदर्शनी में बच्चों ने ग्रंथ डंडी निकाली है। पुस्तकों से हमें क्या मिलता है? पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। तो पांचवा प्रश्न है। देखो बच्चों, वाचन का महत्व इस विषय पर आपको क्या करना है, 5 वाक्य आपके मन से आपको लिखने हैं। जैसे भी आपको आते होंगे वो आप लिखने के लिए प्रयास करोगे। तो कैसा लगा आज का पाठ? कल के लिए हम फिर से मिलेंगे। बाय।